तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक है ना? तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, मुझे मिली 7 कॉपीराइट स्ट्राइक। देखना चाहते हो? ये देख सकते हो, ये मेरे चैनल का 7 कॉपीराइट स्ट्राइक है। लेकिन मुझे क्या मेरा ये चैनल मोनिटाइज होगा? इन कॉपीराइट के बावजूद क्या मेरा चैनल सेफ है? क्या आपको भी ऐसे गलती नहीं करना चाहिए? तो इस वीडियो में आप सिर्फ जानेंगे कि मैंने क्या गलती किया और इन स्ट्राइक में से मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इस वीडियो को देखेंगे तभी जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं छोटा सा इंट्रो के साथ। छोटा सा इंट्रो है तो शुरू करते हैं। तो मेरे चैनल में जो 7 कॉपीराइट स्ट्राइक है, इसका बस रीज़न यही है कि मेरे आप वीडियो में देख सकते हो, संडे कमेंट बॉक्स में और बहुत सारे वीडियो में मैंने बॉलीवुड सॉन्ग का यूज़ किया है। कुछ कुछ सॉन्ग मैंने 30 सेकेंड से ज़्यादा किया है, कुछ कुछ सॉन्ग मैंने 15 सेकेंड से भी नीचे किया है। लेकिन ताजुब की ये बात है, कुछ लोग ये कहता है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा था, बहुत सारे मैंने वीडियो देखा कि ये बता था कि अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग को आप 28 सेकेंड तक आप यूज़ करें तो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। ये एकदम बकवास बात है। मैंने अपने वीडियो में 30 सेकेंड के ऊपर भी मैंने बॉलीवुड सॉन्ग यूज़ किया है, 40 सेकेंड तक मैंने किया है। और आप देख सकते हो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो है जिसमें पबजी वर्सेस फ्री फायर, इसका जो ये जो थंबनेल है ना, ये थंबनेल का वीडियो देखना कि इसमें मैंने बॉलीवुड सॉन्ग बहुत, मैं खिलाड़ी तू अनारी, ये जो गाना है ना, 40 सेकेंड मैंने पार कर दिया। लेकिन ताज्जुब की यह बात है, इस गाने में मेरे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिला, पता नहीं क्यों। लेकिन एक मैंने बहुत ही कम समय के लिए मैंने एक सॉन्ग यूज़ किया था। वो सॉन्ग यूज़ किया था कि द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट रेनबो, ये जो थंबनेल देख रहे हो ना, इस वीडियो में मैंने रंगीला रे बस 15 सेकेंड तक मैंने यूज़ किया, लेकिन कॉपीराइट आ गई। तो कॉपीराइट का दावा यह था कि कॉपीराइट बहुत 3 प्रकार के होते हैं कॉपीराइट, ये आपको समझना सही है। पहले आप कॉपीराइट नहीं करो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, ये पहले आपको समझना सही है। लेकिन कॉपीराइट करने के बाद जो 3 जो प्रकार होता है, आपको ये बिल्कुल समझना सही है ताकि मेरे जैसे आप प्रॉब्लम में ना पड़े। तो पहला जो कॉपीराइट की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, वो होता है कॉपीराइट स्ट्राइक आपको कैसे देगा। मान लीजिए आप एक टीवी का एक वीडियो शूट किया, टीवी का प्रोग्राम का, ठीक है। उसके बाद आपने वीडियो में कुछ भी एडिटिंग नहीं किया, बस टीवी से रिकॉर्ड किया और डायरेक्ट यूट्यूब में डाल दिया, तब उसका कॉपीराइट आपका क्लेम आएगा। क्लेम ये आएगा कि ये वीडियो यूट्यूब से हटा दिया गया है, आपको इसको वीडियो को ब्लॉक कर दिया है। यह है कॉपीराइट स्ट्राइक। पहला, आपका वीडियो को पूरा यूट्यूब में कोई देखेगा ही नहीं, तो आपको वीडियो डिलीट करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद जो दूसरा जो कॉपीराइट स्ट्राइक है, जो जब मुझे मिला है, वो मिला है कि रेवेन्यू शेयर। जो जो मैंने गाना सॉन्ग यूज़ किया 30 सीरीज़ का, सारे गामा का, ऐसी की तैसी का, मुझे जो कॉपीराइट मिला, मुझे रेवेन्यू शेयर का कॉपीराइट मिला, मतलब मेरे चैनल में मोनिटाइज होंगे ही नहीं। लेकिन जिस जिस वीडियो में मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला, उस वीडियो का ही मुझे रेवेन्यू शेयर हुआ। तो इसके लिए मुझे डरने के लिए कोई बात नहीं है, समझ गए। और तीसरा जो कॉपीराइट स्ट्राइक है, वो है कि अगर आपने, मान लीजिए आपने वीडियो में कुछ किसी ऐसा वीडियो फुटेज का बीच में लगा दिया, पूरा वीडियो आपका ही है लेकिन बीच में 10 सेकेंड 20 सेकेंड का वीडियो किसी और का है, आपने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वो कॉपीराइट का जो ओनर है ना, वो ओनर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है, कॉपीराइट क्लेम भी दे सकता है, कॉपीराइट री अपलोड भी दे सकता है, और आपका कम्युनिटी गाइडलाइन का एक ठप्पा भी लगा सकता है अगर दूसरे का वीडियो अभी यूज़ कर रहे हो। टी सीरीज का जो कॉपीराइट जो क्लेम है ना, वो रेवेन्यू शेयर क्लेम है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप किसी का भी आप वीडियो यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। और एक बात आपको ये समझना चाहिए, जैसे जब भी आप यूट्यूब में आप लाइव कर रहे हो, आप यूट्यूब में लाइव कर रहे हो, मैंने आज तक यूट्यूब में जब से मैंने चैनल बनाया, सिर्फ मैंने 2 ही बार लाइव किया हूँ, वो भी मैंने डिलीट कर दिया। मेरे चैनल में आप देख सकते हो, चैनल को जरूर चेक करना, आज तक लाइव है ही नहीं। बस 2 बार मैंने लाइव किया था, दोनों बार में एक भी आदमी नहीं था, मैंने ही अपने फ़ोन में लाइव कर रहा था। अभी जो नया से मैं लाइव करने जाऊँ, क्या आप लोग देखेंगे? अगर
अगर मैं दोबारा लाइव करूँ कि आप लोग देखेंगे, लेकिन लाइव करने से आपको एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, अगर आप लाइव जिस आप कर रहे हो आसपास कोई म्यूजिक का डब्बा नहीं बज रहे हो, इसका जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ पे रूम में अपने घर में शांति से आप लाइव बना रहे हो, अगल वाले रूम में किसी ने टीवी में सास बहू की झगड़ा अगर आपके लाइव में आ गया, उसका साउंड आ गया, तो टीवी सीरियल वाले आपको देंगे कॉपीराइट क्लेम, तो इसका क्या होगा कि आपका लाइफ पूरा बर्बाद। तो ये आप ध्यान रखना, लाइफ तभी आओ जब आप आसपास के माहौल में शांति हो, ये आप जरूर ध्यान रखना। टीवी सीरियल वाले का, टीवी प्रोग्राम का कॉपीराइट का कोई भरोसा नहीं, लेकिन टीवी सीरीज का भरोसा है, या रेवेन्यू शेयर वाला देता है, लेकिन बहुत ये हो गया है। तो इस वीडियो में आप लोग इस तीन कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में समझना होगा, और मेरा जो मोनेटाइजेशन का जो प्रॉब्लम था, मेरे 7 वीडियो का मेरा मोनेटाइजेशन होगा ही नहीं, रेवेन्यू शेयर हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने कोई अभी तक घबराया नहीं। कि आप भी कॉपीराइट से घबराते हो जरूर इस वीडियो में बताना, और 2020 में ये आपको अगर नया यूट्यूब चैनल खोल रहे हो तो इसके बारे में आपको समझना होगा, ये कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट रेवेन्यू शेयर और कॉपीराइट क्लेम, इन तीनों के बारे में आपको मैं समझा दिया। कि आप समझ गए, इस वीडियो में जरूर बताना, और इस वीडियो को अगर आप नए यूट्यूबर हो तो इस वीडियो को जरूर जरूर एक लाइक ठोक दो, और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब बटन है ना, कैसे भी करके उसको सब्सक्राइब कर दो। मुझे ये सब पता नहीं है, मुझे ये सब पता नहीं, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। सब्सक्राइब कर दो, और जय श्री राम।